okay. So um, basically all of you are appearing from IFO. Those who are mm -hmm. appearing from IFO, you all know that it's an open book exam. That is what they claim. That it's an open book exam. And so uh upload material refer karsabi ho, you know, you have made your own notes, you refer kar But there are certain conditions to all of these things. विच यू नो इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो क्योंकि उसके वजह से आप लोग को प्लेजरिज्म का मेल आ सकता है टू इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट टूडे आई जस्ट गो थ्रू अ फ्यू पॉइंट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्राम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वन मोर थिंग विच आई विल से ओवर ह्योर इज़ दैट ये जो जहाँ से uh, मैं रीड कर रही हूँ ये सारी चीज़ें दिस इज अ स्टूडेंट्स एग्जाम हैंडबुक फॉर सेप्टेम्बर 2021 ट्वेंटी वन एग्जाम्स अभी तक इन्होंने अप्रैल 2022 एग्ज़ाम्स का नहीं निकाला है हैंडबुक जे दे जनरली टेक आउट एनी हैंडबुक वन मंथ प्रायर टू एग्जाम बट दिस टाइम आई डिसाइडेड टू टेक दिस क्लास टू मंथ्स बिफोर वाई बिकॉज ताकि आप लोग अभी से प्रिपेयर रहो कि आप लोग को एग्जाम कैसे देना है राइट सो नाओ बेसिकली let's just quickly understand and go through a few important points over here uh, so what it says is that uh, you can refer to any material that is available to you which is in the form of printed electronic or online but इसका ये मतलब नहीं है कि एनी आंसर आप अपना मटेरियल खोल के आई एफ का मटेरियल खोल के आप उस पर से देख रहे हो या फिर आप ऑनलाइन गूगल पे उसको सर्च कर रहे हो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड अगर आप करते हो तो आपको उसका प्रॉपर रेफरेंसिंग देना पड़ेगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैनॉट यूज़ एनी ई टेम्पलेट्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने एम एस वर्ड पर एग्जाम दोगे यू कैनॉट हैव वन एम एस वर्ड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विथ यू एंड उससे आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो या उसको आप यूज़ कर रहे हो या पहले से आपने कोई ई e टेम्पलेट बना के रखा हुआ है फॉर सर्टन काइंड ऑफ एग्जाम्स तो वो आप नहीं कर सकते हो इट्स इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ प्लेजरिज्म एंड आपको ऐसा लग रहा है कि दे के नॉट डिटेक्ट इट बट दे हैव ऑल द मीन्स ऑल द रिसोर्सेज टू डिटेक्ट हाउ यू हैव वॉट यू हैव डन इन योर एग्जाम इवन इफ जस्ट मी इवन इफ वन मार्क का आता वन मार्क का आपने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है इट विल बी रिकॉर्डेड बाय आई एफ वे एंड यू विल बी गेटिंग द प्लेजरिज्म मेल ठीक है तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करने नाउ वॉट आर द मेजर गाइडलाइंस ऑफ प्लेजरिजम प्लेजरिज्म एंड कंक्लूजन जस्ट कि मी वन सेकेंड बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं ओके okay. सोनाओ बेसिकली हमें कैसे सो वॉट आई एफ वो डज इज दैट जब हम अपना आंसर स्क्रिप्ट एंड वी अपलोड आर आंसर स्क्रिप्ट्स दे यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू एग्जामिन कितने लेवल का प्लेजरिज्म आपके आंसर स्क्रिप्ट में आ रहे हैं कि नहीं फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गूगल पर जाके कुछ सर्च किया एंड आपने वहाँ से डिरेक्टली लाइन कॉपी पेस्ट कर दिया अगर आप डरेक्टली लाइन कॉपी पेस्ट नहीं भी कर रहे हो आप उसको थोड़ा इधर उधर मॉडिफाई करके भी लिख रहे हो दे विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव टेकन इट फ्रॉम विच साइट इवन दे विल अंडरस्टैंड आप कौन से साइट से वो ले रहे हो एंड आपका वो प्लेजरिज्म कंसिडर हो जाएगा इवन इफ इट इज़ ऑफ वन मार्क्स सो उसकी वजह से क्या होगा um,

मटेरियल यूज़ किया भी है तो उसका प्रॉपर रेफरेंसिंग आपको देना है अब फॉर एग्जांपल कोई नोट्स uh, बनाते हैं सो वी आर मेकिंग नोट्स यूजिंग द आईएफओए मटेरियल ओनली राइट इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग यू नोट्स वी आर प्रोवाइडिंग इट थ्रू आईएफओए मटेरियल ओनली तो हमेशा जब भी आप ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो आपको आई एफ ओ ए मटीरियल का ही रेफरेंसिंग देना पड़ेगा अदरवाइज इट इज़ नॉट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेजरिज्म तो यहाँ देखो आई यू ऑल कैन राइट दिस डाउन दिस इज़ हाउ यू विल बी प्रोवाइडिंग योर रेफरेंसिंग दिस इज़ हाउ यू विल बी प्रोवाइडिंग योर रेफरेंसिंग फॉर एग्जाम्पल आई एम अप्योरिंग फॉर सी एम वन एग्जाम सी एम वन एग्जाम एंड मैंने कोई एक फॉर्मूला कोई एक प्रूफ uh, डायरेक्टली यूज़ किया है फ्रॉम द मटीरियल तो वट आई विल डू फॉर दैट इज़ मैं क्या लिखूंगी अपने एग्जाम में ब्रैकेट में आई विल राइट दिस ब्रैकेट में आई विल राइट दिस सपोज यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला यूज़ किया है ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी आई एफ ओ ए सी एम वन विच इज द नेम ऑफ द पेपर कोर रीडिंग कोर रीडिंग हम किसको बोलते हैं आई एफ ओ ए के मटीरियल को बोलते हैं जो भी आपके पास मटीरियल है उसके नीचे में हमेशा एक योर मेंशन होता है आइदर हर पेज के ऊपर या नीचे में देखना योर मेंशन होता है ट्वेंटी 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी कौन से योर का वो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो सो लेटर सपोज आप ट्वेंटी ट्वेंटी वाला मटीरियल यूज़ कर रहे हो देन आपके कौन से यूनिट नाउ वेयर इज़ दिस यूनिट मैंशन आप देखना वो हर चैप्टर के ऊपर हर चैप्टर के वहाँ पे यूनिट नंबर मैंशनड है सपोज चैप्टर टेन है तो दैट इज़ जनरली कंसिडर्ड एज यूनिट टेन तो वो आपको वहाँ पे अपने मटीरियल में ही मिल जाएगा यू गिव द यूनिट नेम एंड देन यू यूनिट नंबर एंड देन यू गिव द पेज नंबर तो आपका पेज नंबर जो भी है एंड देन द पैराग्राफ नंबर ऑल्सो सो मे बी आपका पैराग्राफ नंबर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इन दिस इंटायर इन दिस इंटायर पेज इट इज़ पैराग्राफ नंबर दिस तो ये पैराग्राफ फ़ोर हुआ ना तो आप यहाँ पर पैराग्राफ फोर लिखो ठीक है अगर पैराग्राफ ऊ ऊपर नीचे भी हो जाता है सपोज काउंटिंग में मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है डजेंट मैटर मच बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप मटीरियल का नाम मैंशन करो प्रॉपरली विच इज़ नेम ऑफ द पेपर को रीडिंग योर यूनिट मतलब चैप्टर नंबर या फिर यूनिट नंबर मैंशन करो एंड पेज नंबर विद इन दैट यूनिट ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन यू कैन गिव द पैराग्राफ नंबर सो दिस इज़ हाउ यू विल गिव द रेफरेंसिंग फॉर एनी फार्मूलाज यू यूज अब बहुत लोग फॉर्मूलाज टेबल बुक से रेफर करते हैं तो अगर आप टेबल बुक से रेफर करो तो अगेन आपको क्लियरली मैंशन करना है रेफरेंस आपको अगेन मैंशन करना है रेफरेंस टेबल बुक टेबल बुक फॉर एक्चुरल टेबल बुक है ना फर्स्ट पेज में देखना वहाँ पे टेबल बुक का नेम गिवन रहता है सो टेबल बुक एंड देन यू ऑल्सो गिव द पेज नंबर ठीक है सो पेज नंबर लेटर्स सपोज फिफ्टीन तो ये आपका टेबल बुक फॉर एक्चुरल साइंस या फॉर एक्टेड ऐसा कुछ लिखा रहता है फर्स्ट पेज ऑन योर टेबल बुक प्लीज सी दैट एंड वो आपको यहाँ पे लिखना है एंड द पेज नंबर्स इफ़ यू आर टेकिंग एनी थिंग एनी स्मॉलेस्ट फॉर्मूला फ्रॉम योर टेबल बुक अब आप सब लोग पूछेंगे जैसे सी एम वन में फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारी चीजें टेबल बुक से रेफर करते हो फॉर एग्जाम्पल ए एम नाइनटी टू आप रेफर करते हो पी एफ ए तो आपको देना है यू कैन जस्ट मैंशन फ्रॉम टेबल बुक पी एफ ए टेबल्स ए एम नाइन्टी टू टेबल्स अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है टू मैंशन द पेज नंबर प्लीज एटलीस्ट मैंशन ए एम नाइन्टी टू पी एफ ए टेबल्स पी एम ए टेबल्स वॉट एवर इट इज पी एम ए टेबल्स फ्रॉम टेबल बुक ऑफ एक्चुरल साइंस या फिर जो भी वो वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट पेज ऑफ टेबल बुक जो भी आपका वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड आपने डायरेक्टली उधर से मैंशन कर दिया टेबल बुक का सो एंड सो पेज नंबर राइट सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट भले ही एक क्वेश्चन आप कम करना वन क्वेश्चन लेस no problem but प्लीज़ गिव रेफरेंसिंग टू एनी थिंग विच यू डू एनी प्रूफ्स विच आर यूजिंग डायरेक्टली एनी वैल्यूज़ यू आर टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल बुक और फ्रॉम द मटीरियल यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ यू नो इक्वेजन्स आप जो भी इक्वेजन्स भी यूज़ कर रहे हो इफ़ यूट इज़ टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल बुक और फ्रॉम द मटीरियल और फ्रॉम योर नोट्स आपको पता है ना नोट्स से आपने लिया है तो नोट्स डायरेक्टली हम कहाँ से बनाते हैं ऑब्वियसली मटीरियल से ही बनाते हैं सो यू हैव टू मैंशन दिस रेफरेंसिंग अदरवाइज ज वो क्लियर कट केस होगा ऑफ प्लेजरिज्म एंड आप लोग को मेल आ जाएगा आई एफ ओ से आफ्टर आर एग्जामिनेशन एंड इट इज वेरी बैड वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसिस आर वेरी बैड राइट तो ये हम लोग को क्लियरली दिमाग में रखना है वैन एवर वी आर सिटिंग फॉर द एग्जाम एंड अभी भी सिंस वी हैव स्टार्टेड विद अ मॉक एग्जाम सो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग जब मॉक्स दोगे तो आप लोग मॉक्स भी वैसे ही दो येस आई अंडरस्टैंड इट विल टेक टाइम टू अडेप्ट नाउ दे आर मैनी थिंग्स जो यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कुछ डायरेक्टली मटेरियल से नहीं ले रहे हम उसको फ्रेम करके लिख रहे हैं बट द आइडिया इज़ टेकन फ्रॉम द मटेरियल स्टिल स्पेशली इन द थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन स्टिल यू हैव टू मैंशन द रेफरेंसिंग यू हैव टू गिव द रेफरेंसिंग यू हैव टू गिव द पेज नंबर नो एग्जाम में डेफिनेटली आप इस पूरे चीज़ को बार बार टाइप नहीं करोगे राइट right? तो आप क्या कर सकते हो इन दैट सिचुएशन आप इसको कॉपी पेस्ट करके रखो एक बार ही खाली टाइप करो मतलब एक क्वेश्चन में एक बार ही खाली टाइप करो इस पूरे चीज़ को

You don't have to waste time on typing it again. But yes, agarab material dekh materials they please give the referencing. Peli bato don't see anything from the material, but yes, if you are using any proofs, if you're using any values from the table book, anything, any any direct equations, then make sure you're mentioning the referencing. It is very, very important. Second thing, very, very important, do not do any kind of indulge into any kind of collusion. And when I'm saying collusion, do not sit with your friends, do not discuss your questions with your friends. Please, even if, even if one mark ka kuchapne sa kiya hai, you will be simply disqualified for the exams. You will be banned by the institute for coming two years. So you have to give, give the exam on your own. यू डोंट हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स यू कै नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स अकेले एग्जाम दो सोली एग्जाम दो गूगल तो प्लीज़ यूज़ करना ही मत इवन इफ़ यू थिंक एक लाइन ही यार देख लेते हैं एक एम सी क्यू नहीं आ रहा खाली वो एम सी क्यू सर्च कर लेते हैं या फिर एक चीज़ स्ट्राइक नहीं कर रहा कोई वर्ड का मीनिंग देखना है नट थिंग प्लीज़ डू नॉट ओपन गूगल प्लीज़ डू नॉट डू दैट अगर आप वो कर रहे हो ट्रस्ट मी आपको कोई नहीं बचा सकते नो वन कैन सेव यू इवन इफ इट इज़ अ वन मार्क पॉइंट फाइव मार्क्स क्वेश्चन नो वन कैन सेव यू ट्रस्ट मी बिकॉज़ ये क्लियर कट प्लेजरिज्म का केस है क्लियर कट प्लेजरिज्म है एंड दे विल अंडरस्टैंड उनका सॉफ्टवेयर इतना इतना पावरफुल है उन लोग ट्रेस कर सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली इवन इफ आप वर्ड्स को इधर उधर करके लिखो जितना भी ट्राई कर लो दे विल स्टिल कैच यू तो वो आपको नहीं करना दैट यू हैव टू अवॉइड राइट So, this is very, very important. Uh, now, it is very much important that you submit your work on your own. You are not discussing, you are not sitting down with anyone else in your exam. Uh, where a question is asking for content such as definitions. तो उनको भी पता है कि अगर आप कुछ डेफिनेशन्स कुछ प्रूफ मांग रहे हो तो वो मटीरियल के जैसा ही बनेगा बट वहाँ पर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हो सकता है कि आपने वो याद कर लिया एंड आप डायरेक्टली लिख रहे हो राइट आई हैव रिमेंबर्ड वन डेफिनेशन आई हैव रिमेंबर्ड वन प्रूफ एंड आप डायरेक्टली करें हमें पता भी नहीं कि वो मटीरियल में कहाँ है स्टिल आपको मटीरियल खोल के देखना है कि वो कहाँ है आपको पता होना चाहिए वो प्रूफ कहाँ है एंड यू हैव टू गिव द रेफरेंसिंग सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ यू ऑल टू रीड द इन मटीरियल एटलीस्ट वंस अगर आप रीड नहीं भी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या आता है एटलीस्ट इफ आई टेल यू सपोज लेट्स टॉक अबाउट सी एम वन ठीक है सीएम वन में एम टेलिंग यू ज्वाइंट लाइफ आपको पता होना चाहिए ज्वाइंट लाइफ कौन सा चैप्टर नंबर है ज्वाइंट लाइफ का एक पर्टिकुलर इक्वेजन कौन से चैप्टर में आता है ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड नो बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जाम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट पीपल हु आर सिटिंग फॉर सी बी वन एंड सी बी टू पूरा थियोरिटिकल है सी बी टू का हैव टेकन अलग से क्लास विच आई आई एल बी शेयरिंग फॉर विद सी बी टू स्टूडेंट्स ओनली दैट स्पेसिफिक टू सी बी टू अदर देन दिस कहीं से भी सिमिलैरिटी नहीं मिलना चाहिए राइट right? क्या लिखा हुआ देखो इफ़ योर रिस्पॉन्स इंक्लूड्स कोटेशंस थ्योरीज आइडियाज़ फ्रॉम अदर मटीरियल्स यू हैव टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू अवॉइड दिस यू हैव टू मैंशन द सोर्सेज यू हैव टू गिव द रेफरेंसिंग वॉट आई विल सजेस्ट डू नॉट यूज़ एनी अदर मटीरियल इंस्टेड ऑफ आई एफ ओ मटीरियल जो उनका को रीडिंग है और द टेबल बुक दी टू आर द ओनली मटीरियल यू कैन रेफर टू नो गूगल नो इंटरनेट नथिंग नो एनी अदर डिफरेंट टेक्स्ट बुक सी बी टू का हैव टेकन इट सेपरेटली आई नो वी यूज सम अदर बुक एज वेल सो उसका हैव टेकन क्लास डिफरेंट एंड वी हैव अपलोडेड द वीडियो है शेयर द वीडियोज विथ यू सो बेसिकली दिस इज द इंटायर प्रोसेस ऐसे आपको रेफरेंसिंग देना है कोई भी आप एक इक्वेशन लिखते हो एंड वो आपको लग रहा है कि आपने खुद से नहीं कंस्ट्रक्ट किया फॉर एग्जांपल आप एक प्रीमियम इक्वेशन ख़ुद से कंस्ट्रक्ट करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आप कोई प्रूफ सी एम टू का कोई प्रूफ कोई सी एस टू का प्रूफ आप डायरेक्टली ले रहे हो आपको पता है दिस इज़ देयर इन योर पेपर इन योर मटीरियल सॉरी तो आप उसको रेफर करोगे पेज नंबर यूनिट नंबर एवरी थिंग राइट दैट इज़ हाउ यू विल गिव योर रेफरेंसिंग एंड सो दिस इज दट एक्चुअली ये एक बेसिक है आइडिया डेफिनेशन प्रिंसिपल्स काफ़ी कुछ का एंड आई है लिटरली सीन टू थ्री मार्क्स के वजह से भी दे हैव गॉट डिसक्वालिफाइड बट मैं कभी आई विल नेवर से दिस दैट इट वॉज़ अस्टेक ऑफ द इंस्टीट्यूट कि किसी को ऐसे कर दिया नहीं इट वॉज ऑलवेज अस्टेक ऑफ़ अ स्टूडेंट आई द स्टूडेंट कल्यूडेड विद समन एल्स और स्टूडेंट रेफर टू द गूगल विच इज़ कम्पलीटली रोंग और स्टूडेंट टुक यू नो कम्प्लीट आंसर फ्रॉम अ पर्टिकुलर मटीरियल एंड रेफर ने किया तो ये आपको अवॉइड करना है लास्ट थिंग विच आई विल मैंशन इज़ दैट अगर आप लोग पास पेपर से कुछ लेते हो फॉर एग्जाम्पल इस बार हुआ था इन सी एस टू एग्जाम्स सी एस टू के एग्जाम में क्वेश्चन आता विच वॉज आई थिंक इन टू थाउजेंड एट ठीक है दैट क्वेश्चन केम इन 2008 और 2004 आई कंट रिमेंबर एग्जैक्टली सो जो जो स्टूडेंट्स बहुत प्रैक्टिस करते हैं पेपर्स ऑब्वियसली दे नो कि कौन से टर्म से आ रहा है या कौन से ईयर से आ रहा है दे कैन ओपन द कंपाइलर दे कैन ओपन पास पेपर्स पे एंड पे सी यू हैव टू गिव रेफरेंस यू हैव टू गिव रेफरेंस टू द पास एग्जाम क्वेश्चन तो आप लोग को पूरा रेफरेंस यहाँ पे देना है ऐसे पूरा आपको प्रॉपरली लिखना है रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग, सॉरी पास्ट एग्जाम एग्जामिनर्स रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं गिव द टर्म सो फॉर एग्जाम्पल सी एस टू को मैंने रेफर किया है सी एस टू ए मैं एक बार हटा रही हूँ इसको सी एस टू ए अप्रेल 2019 नाइनटीन क्वेश्चन थ्री ठीक है तो आपको क्लियरली पेपर का नेम टर्म एंड क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन करना है इन योर रेफरेंसिंग इफ़ यू हैव रेफर टू एनी प्रीवियस क्वेश्चन ऑब्वियसली 2019 के कोई पेपर को रेफर करते हो सो सपोज सी टी सिक्स के पेपर को रेफर किया तो सी टी सिक्स सी टी वन सी टी फाइव रिस्पेक्टिवली आपको वैसे मेंशन करना है एंड द टर्म एंड द क्वेश्चन नंबर ये पूरा होना चाहिए इफ़ यू थिंक दैट यू हैव टेकन क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन दस बार प्रैक्टिस किया है आपको पता है कौन से टर्म का है आप उसको रेफर करो तो ऑब्वियसली आपका जो मेथड होगा सॉल्विंग का वो सेम मेथड होगा जो आई एफ ओ ने किया है सो अगेन देर विल बी अ प्लेजरिज्म कि आपने उनको uh, रेफर किया बट यू हैव इन मैंशनड इट इन योर एग्जाम सो हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए या तो आप क्वेश्चन के एंड पे लिखो या उस पैराग्राफ जहाँ पे आपने यूज़ किया उस पैराग्राफ के एंड पे लिखो एंड मेक श्योर इसको बोल्ड कर दो अगर बोल्ड नहीं भी करो प्लीज़ ब्रैकेट्स में रेफरेंसिंग मैंशन करना है भले ही इन द इंटायर क्वेश्चन पेपर यू यू नो अ फॉर फाइव सिक्स मार्क्स लेस ऑफ यू नो क्वेश्चन बट प्लीज़ गिव रेफरेंसिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस वॉज़ ऑ ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू ऑल सो दैट अभी जितने भी मॉर्स आ रहे हैं आप लोग उसको अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो एंड अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर uh, रहो पहले से एंड अपने मटीरियल को रीड करके रखो इवन इफ़ देर आर चैप्टर्स जो बहुत अजीब होते हैं मटीरियल के आपको नहीं मन है रीड करने का यू कैन डू दैट बट मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट कि वो चीज़ कहाँ आ रहा है so सो अभी कमिंग टू मंथ्स है आपके पास वेन यू आर स्टडिंग तो आप कोई भी पोर्शन जब आप पढ़ रहे हो मेक श्योर sure आपको पता है कि वो पोशन मटेरियल में कहाँ है सो मटेरियल, आई फूट मटीरियल शुड ऑलवेज बी विथ यू एंड आप उसको खोल खोल के देखते रहो कि कहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है सो दैट ड्यूरिंग द एग्जाम अगर आप उस चीज़ को रेफर कर रहे हो आप इसको मैंशन करो प्लीज़ अवॉइड गूगल प्लीज़ अवॉइड सिटिंग डाउन और आस्किंग डिस्कसिंग एनीथिंग विथ योर फ्रेंड्स राइट दर गाई हैव मैंशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स फार्मूलाज अगर ऐसे फार्मूलाज हैं जो मटीरियल में भी लिखे हुए हैं तो वो आपको रेफरेंसिंग देना पड़ेगा बट येस yes, अगर कोई इक्वेजन है जो आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल बट देर आर सम इक्वेजन देर आर सम फार्मूलाज देर आर समूफ्स विच आर डिरेक्टली टेकन फ्रॉम द मटीरियल ऑफ फ्रॉम द टेबल बुक सो मेक श्योर sure आप उन तीनों आप उन जगहों का रेफरेंसिंग दो सो दीज आर द थ्री प्लेसिज विच आई बिलीव द मटीरियल द टेबल बुक एंड द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देर यू कैन एक्चुअली रेफर फ्राम एंड यू हैव टू मैंशन इट इन योर पेपर अब ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ही रेफरेंसिंग आ जाए बट येस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कंटेन रेफरेंसिंग एम सी क्यूज में कोई रेफरेंसिंग नहीं करना है uh, प्रैक्टिकल पेपर्स लाइक सी एम वन सी एस वन सी एस टू इन पेपर्स नॉट सी एस टू सी एस टू का काफ़ी पोर्शन इज थियोरी ऑल्सो तो उसमें देते हैं इवन प्रैक्टिकल पोर्स में भी रेफरेंसिंग आपको देना पड़ेगा जस्ट लाइक इन सम फॉर्मूलाज इन सम काइंड ऑफ प्रूफ इन सम काइंड ऑफ इक्वेजन्स राइट सो मेक श्योर यू डू दैट ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग यू डोंट हैव टू यू नो डी टेंस्ड अबाउट दिस सो मच ऐसा कुछ भी नहीं है इट्स वेरी सिंपल थिंग इट्स अ वेरी सिंपल टास्क जो सब परफॉर्म करते हैं इन एन ओपन बुक एग्जाम जो कि आपको करना है मार्क्स मार्क्स डिडक्शन्स नहीं होगा जितेश फर्स्टली सेकेंडली ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो वो तो आपको करना ही नहीं है अगर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो इट्स अ पार्ट ऑफ प्लेजरिज्म हाँ अगर आप कुछ देख के लिख रहे हो या आपको याद है कॉन्सेप्ट है ना आप थोड़ा फ्रेम करके लिख रहे हो स्टिल रेफरेंसिंग देना है बट अगर वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करो वो पूरा प्लेजरिज्म है मार्क्स क्या डिडक्ट होगा बैन हो जाओगे तो वो तो आपको करना ही नहीं है डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस इन योर आंसर स्क्रिप्ट दैट इज तो पूरा नो no नो -no. हाँ अगर आप कुछ रेफर कर रहे हो तो ऑब्वियसली रेफरेंसिंग दोगे कॉपी पेस्ट तो मैंने बोला ही नहीं है कॉपी पेस्ट तो हम कर ही नहीं सकते नहीं कैमरा इज़ नॉट स्विच ऑन ड्यूरिंग आई एफ ओ एग्जाम्स आई ए आई में होता है मैम हाँ कोई थ्योरी क्वेश्चन रिविजन किया हो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन लिख रिपोर्ट से ले रहे हो तो आप एक्टेड मटेरियल लिखो वो एक्टेड होता है वो एक्टेड मटेरियल एंड वो पास क्वेश्चन ही होता है थीके? तो वहाँ पे देना अगर आप रिविजन नोट से ले रहे हो अगर आप रिविजन नोट से ले रहे हो तो तो वहां पे एक्टेड मटेरियल लिख देना ठीक है व्हेन यू ओपन द रिवीजन नोट वहां देखना फर्स्ट लाइन लिखा हुआ रहता है एक्टेड तो वहां पे आप खाली एक्टेड का नाम दे दो एंड द नेम ऑफ द पेपर टर्म क्वेश्चन नंबर पेपर हंड्रेड मार्क्स का आएगा दोनों एंड वेटेड वेटेड जो सेवेंटी थर्टी ईय इट इज कंपल्सरी टू अटेन क्वेश्चन सी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन फाइव पहले कर लो सेवन बाद में करो नो no प्रॉब्लम हाँ तो तान्या दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव द रेफरेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी बी वन एस्पेश ठीक है नहीं खुशी दैट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रेफरेंसिंग फार्मूलाज़ बेसिक एनविटी के एंड एश्योरेंस के डज़ नॉट रिक्वायर बट येस अगर आप कुछ डिरेक्ट प्रूफ कर रहे हो डरेक्ट आप कुछ लिख रहे हो सपोज uh, आप इनक्रीजिंग uh, एनविटी का पूरा लिख रहे हो ठीक है डैट डज़ नॉट रिक्वायर हाँ अगर आपके पास टाइम है एंड आपको सेफ़ रहना है तो आप लिख सकते हो फिर आएफ हुए मटीरियल का ये yes, साक्षी पूरा कम्प्लीट हंड्रेड परसेंट प्लेजरिज्म है शी इज सेइंग कि अगर हम रेफरेंसिंग दे के कॉपी पेस्ट कर दे अरे दैट्स अ कम्प्लीट प्लेजरिज्म देखो मैं दिखाती हूँ आपको यू कैन नॉट डू दैट हाउ कैन यू इवन आस्क सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन अभी मैंने लिखा इधर डेट एल शो यू चीज़ कहाँ लिखी हुई है Kho, the examiners do not expect students to directly copy large volumes of their learning. material into their answers this could be flagged as plagiarism for the avoidance of doubt this would also include directly copying large volumes of learning material which has been subject to minor uh, amendments thoda bahut bhi change karke pura pura copy paste kar diya aur referencing bhi mention kar diya still plagiarism isliye main bol rahi hu material refer karo hi mat अगर कर रहे हो by chance तो लिखो uh, and अगर कोई proof, कोई formula, कोई बहुत बड़ा कुछ equation ऐसा लिख रहे हो तो definitely you have to give the referencing. साक्षी इज़ द सेम थिंग ना देख देख के लिखना या कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट का मीनिंग आप कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते दैट 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 इज़ कम्प्लीटली नो ऑब्वियसली वो तो मैंने शुरू में ही बोल दिया कि कोई और इलेक्ट्रॉनिक से नहीं कॉपी पेस्ट देख देख के लिखना और कॉपी पेस्ट करना इज़ द सेम थिंग नहीं प्लीज़ टाइप इट ऑन इन द चार्ट बॉक्स आई कै नॉट टेक योर डाउट्स ऑन वील हैव वन मोर सेशन विथ प्रवीन सर वेर वील इंटर एक्ट बट टूडे यू ऑल जस्ट हैव टू यूज बॉक्स डू फॉर्मुलाज फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो आप लोग लिखते हो ना सी इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट आई विल सजेस्ट यू कहीं कहीं पे दे देना मटेरियल का इसीलिए मटेरियल खोल के रखना अपने साथ में रखना दे देना कहीं कहीं पे सो दैट यू नो टू बी ऑन जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड यू कैन चेंज द विंडो दैट्स नॉट एन इशू इशू नुरल जानवी दैट्स अ डिफरेंस अगर आप इसको पूरा कॉपी पेस्ट करके लिख दोगे एंड फिर आप रेफरेंसिंग दे दोगे दैट्स अ कंप्लीट नो हाँ अगर आप कुछ एक दो वर्ड्स जो आपको लग रहे हैं सपोज जस्ट कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन आपको लग रहे हैं यहाँ से आपने यूज़ किया है फॉर सी बी वन स्पेशली फॉर सी बी टू स्पेशली फॉर थ्योरी पोर्शन तब आपको रेफरेंसिंग देना है इक्वेशंस प्रूफ तो एज इट इज लिखते हो ना कॉपी पेस्ट करते हो तो उसमें रेफरेंसिंग देना है व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन येस यू कैन डू दैट पेडीना बट आई विल सजेस्ट नॉट टू डू इट क्योंकि ऐसे भी आपको रेफरेंसिंग देना ही है तो आप सेपरेटली दोगे तो इट विल भी बेटर अलग अलग इक्वेजन्स के लिए अलग अलग रेफरेंसिंग दोगे तो इट विल भी बेटर दैट वी कैन डू तान्या सेपरेटली फॉर सी बी वन जस्ट लाइक आई डिट फॉर सी बी टू सी आपको क्या करना है कोई भी आंसर आप लिख रहे हो सी बी वन और सी बी टू सो यू नो दैट सम्स लाइक सम्सम की पर्टिकुलर चैप्टर सपोज हम बोलते हैं कि एडवांटेजेसर होल्डर या फिर जो भी तो आपको पता है ना कि आपने कहाँ से लिया है जस्ट उसका रेफरेंसिंग दे दो ना अगर आप एंड ऑबियसली आप कॉपी पेज पूरा नहीं कर रहे हो वर्ड टू वर्ड पूरा नहीं लिख रहे हो बट आप कुछ तो पॉइंट लोगे वहां से तो जस्ट वहाँ का वो रेफरेंसिंग दे दो क्या जाता है आपका रेफरेंसिंग देने में राइट धान्य

यूनिट नंबर पैराग्राफ नंबर लिख के रखो यूनिट नंबर डेफिनेटली सेम होगा पेज नंबर एंड पैराग्राफ नंबर लिख के रखो पहले से ताकि आप डायरेक्टली खाली समरी वाला पेज खोलो एंड यू नो कि ये कौन से पेज नंबर पे था एंड कौन से उस पर था राइट यू कैन डू दैट अभी यू हैव टू मंथ्स टाइम यू कैन डू दैट यू कैन सिट डाउन एंड डू फॉर वन चैप्टर एवरी डे समरी में पीछे में ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मूलाज आर गिवन राइट हर चैप्टर के पीछे समरी होता है जिसमें सारे फार्मूलाज सारे फंक्शंस गिवन होते हैं इम्पॉर्टेंट वनस तो आप वहाँ पर बगल में पेज नंबर एंड पैराग्राफ नंबर लिख के रखो ताकि फाइनल एग्जाम में अभी आप मॉक्स दोगे सिकिन जस्ट ओपन द समरी एंड यू नो कहाँ पर क्या है I will not answer that question, Sakshi. Um. सो बेसिकली सी एफ वंस टोल्ड यू ऑल कि कैसे आई वन लाइक आई है गाइडेड यू कि कैसे क्या करना है सो दैट यू ऑल हैव दिस आइडिया एटलीस्ट कि कैसे मैंशन करना है मूविंग फॉरवर्ड अभी आप लोग मॉक्स दोगे तो आप लोग उसमें ट्राई करना ऐसे करने का वील हैव वन मोर सेशन विथ प्रवीण सो वेर वील कैन इंटरैक्ट मोर एंड डिस्कस मोर ऑन दिस बट इन जनरल ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है राइट right? आई विल अपलोड दिस वीडियो टूमोरो मेक श्योर अभी से लेके एंड ये समरी वाला डेफिनेटली यू कैन डू जो जो समरी शीट होता है हर चैप्टर के पीछे यू कैन राइट द पेज नंबर एंड एवरी थिंग पैराग्राफ नंबर जस्ट डीज टू दे ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प हो जाए मॉक में एग्जाम अभी मॉक दोगे उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो इट्स द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस एंड उससे क्या होगा आप लोग को और क्लैरिटी आएगा एंड वील हैव वन मोर सेशन वेर वील डिसकस दिस फर्दर अगर कुछ भी क्वेरीज कुछ भी डाउट्स है सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई एंड टूडे आई एल बी टेकिंग मोर योर क्वेरीज एंड एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को थोड़ा यू नो डाउट आ रहा है बट ऐसा कुछ भी नहीं है वी यू कैनॉट कॉपी पेस्ड फ्रॉम अनादर वर्ड फाइल सेम वर्ड फाइल में येस यू कैन सेम वर्ड फाइल में येस यू कैन ठीक है um, तो यहाँ पे आई एव गिवन वील डिस्कस वन मोर डे लाइक टुमोरो डे आफ्टर अगेन वी विल डिस्कस एंड वी कैन गाइड यू ऑल कि कैसे और क्या क्या आप लोग के जो भी क्वेरीज हैं वी कैन टेक अप दोज क्वेरीज यू हैव टू डिसाइड राइट कि ये हमने मटेरियल से लिया है ओब्वियसली अगर कुछ एक एनमिटी का फॉर्मूला लिख रहे हो दैट इज़ नॉट अ बिग डील

मे बी एक बार यूज करते हो उसका डेफिनेटली आपको रेफरेंसिंग देना है राइट सो नो कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट्स नो नॉट एट ऑल ठीक है थैंक यू सो मच आई एल बी डिस्कसिंग मोर वील बी डिस्कसिंग एक गूगल मीट रखते हैं जहाँ पे यू ऑल कैन ऑल्सो इंटरेक्ट यू ऑल केन आंसक योर मोर क्वेश्चन बट दिस वॉज द बेसिक आइडिया हम उसमें भी मोस्टली यही डिस्कस करेंगे डोंट वरी डोंट स्ट्रेस इट बी वेरी सिम्पल जस्ट दैट वेन यू आर गिविंग मॉक्स ट्राई टू प्रैक्टिस इट अलॉन्ग विथ दीज थिंग्स इन माइंड ओके ऑल राइट थैंक यू सो मच दिस इज इट फॉर टुडे एंड अभी हम लोग कल परसों में एक क्लास और रखेंगे जहाँ पे वी कैन इंटर एक्ट ऑल राइट ओके